गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। तो कालिदास के प्राणी प्रेम इसमें बताया है। उसका लेखक है मोहन राकेश, सन 1925 और निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार और उपन्यासकार और कहानीकार रूप में अपना नाम अमर कर गए। उन्होंने डायरो, स्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद क्षेत्र में भी ठोस योगदान किया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और विचित्र नाटक है। यहाँ ये पर आषाढ़ का एक दिन था, उसने केवल एक अंश है कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक में प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र है मल्लिका और कालिदास। दो ही पात्र है मल्लिका और कालिदास। कालिदास का बाण से घायल हरिण शाव को बना लेता है। नाट्यकार में यह कहना चाहता है कि अगर हम प्राण दे सकते हैं तो प्राण किसी के लेने का अधिकार है, तो हमें देने अधिकार भी है, तो हमें मारने वाले से बचाने वाला महान है। कि अगर हमें प्राण दे सकते हैं तो किसी के प्राण लेने का भी अधिकार, दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार होता, दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मानने वाले से बचाने वाला महान है। प्रस्तुत दनुत ने शिशु हिरण का बच्चा शावक को गायब कर दिया, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेकर उस समय उस परिच चलाते हैं। अंत यहाँ जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अंत उसका हवन नहीं होना चाहिए लेकिन मरण करना चाहिए नहीं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उसका रक्षण करना चाहिए। तो देखिए कालिदास, हम जीरिए हरिण शावक, हम जिएंगे हरिण शावक, ये सब वो हरण के बच्चों को हम जिएंगे एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है, वह होए तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आश्रम पर विश्राम करेंगे। हमारा अंगों पर दृढ़ लेप होगा। कल हम फिर वन स्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे न खाएंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये घाव तिल लगा है उसे वो अच्छा हो जाएगा। मल्लिका, यह आहट हरी शावक यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरफ यहाँ भी आज गांव प्रदेश में कोई नई आकृतियाँ देख रही रहा हूँ? यहाँ सोएंगे या हम थोड़ी देर सो लेंगे हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले ही हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए लेना। मल्लिका, थोड़ा दूध हो को तो किसी के भाजन में ले आओ ना। तो मल्लिका को बोलता है कि थोड़ा दूध हो तो लेके आओ ना। माँ ने दूध उठा कर रखा है और देखती है चूल्हे में। अभी दो तीन राज्य कर्मचारी हमने घोड़े पर जाते हुए देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगता है। लेके कुछ राज कर्मचारी लेके ऐसे आए थे तो पता नहीं घोड़े लेके, तो पता नहीं घिसुने मारा कि क्या। कालिदास, हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने उसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने बाण छोड़ने
बना कैसे, लेकिन ऐसे कोमल शरीर पर किसने बाण छोड़ा होगा। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखों का उसका शाही स्नेह मिले। वो बोलता है कि कालिदास के मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ। मल्लिका आती है तो सच माँ अब आज बहुत नरुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी, वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भाग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रही, वो इसकी चिंता कर रही थी। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। उसे उसकी माँ को बोलते हैं कि तुम उसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पाएंगे, नहीं तो हम ऐसा हट नहीं हो करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। तो उसे बोलते हैं कि हम दूध पिएंगे, ऐसा उसे बोलती है। राजपुरुष दस्तनूल से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुँह से दूध पिला देता है। दंतुल दूध पिलाकर उसने कोमल मांस को और कोमल पर लेना चाहिए। कालिदास ने और मल्लिका ने चक्कर उसे देखते ही मल्लिका हरी शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास का दूध भाजन आसन पर रख देता है। तो दंतु के पोते के उसे दूध पिलाकर उसका मांस अच्छा कोमल कर लेना चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरह खल्ला पिला के और उसका मांस हम मार के खा जाएंगे। तो वो ले के उसे पीछे जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम लोग परिचित नहीं है, तुम्हारा इस अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। तो वो शावक को लेने आता है। दंतूर भी मेरे बाण से आहट हिरण को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं में चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से धीरे दिनों में तुम्हारा अनुसरण कर पाता। कालिदास देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। तो उसे बोलता है कि मैं उसे लेके मेरे बाण से उसको मैंने मारा है, तो मुझे दे दो, उसका मांस हमें खाना है ऐसा। तो वो कालिदास बोलते हैं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते। दंतु मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात की परिचित देती हो कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास तो मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कर रहा। तो क्या दंतु बोले, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर, ललाट लेके कपाड़, जान पड़ता है कि चोरी के अंतरिक्ष सामुद्रिक का भी कभी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट रखी सी, मल्लिका तुम्हें ऐसा लांछन लगाने लज्जा नहीं आती है। तो दंतु क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है वो मेरा बाण से आहट हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। तो वो दंतुर बोलता है कि मैंने मेरे बाण से मारा है, तो उसे वो मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। कालिदास इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। राज पुरुष तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कोई हिरण को ऐसे तीर से मारे, तुम बाहर से आए हो ऐसा लगता है। हमारे यहाँ प्राणी को मारे तो उसे सजा के पात्र होता है। तुम इस देश के दिखाती पता नहीं चलता। तो राजपुरुष ने अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक आप अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। तो वो बोलता है कि आपको अधिकार नहीं है कि मैं अपराधी हूँ या नहीं, वो गांव वाले करेंगे। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। लेकिन जो हम बोलते हैं वो तो हमारे राजपुरुष की संपत्ति है। दंतुर समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राज पुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हिरण शावक मुझे दे दो। तो मुझे देर हो दे आप मुझे ये हिरण शावक दे दो।
कालिदास में हिरण शावक इस पर्याप्त भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पर्याप्त भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम उसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तप्त पर या किसी आत्रण पर उसे अंदर ले जाती है और उसे सुला देती है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसका आगे का कल पढ़ेंगे।